राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और दोस्तों, ये टाइम है शाम का और हम लगा रहे हैं झाड़ू। और यहाँ पे आर्यन को देखिए कैसे पुशअप लगा रहे हैं। बोले दीदी, हम पुशअप लगा के तब वीडियो बनाएंगे आपका। और ये वैसे तो आते नहीं है, जब इनका मतलब होता है तभी आते हैं। और आजकल खेतों में है ककड़ियाँ लगी, तो वही तोड़ने के लिए रोज आ जाते हैं। और देखिए दोस्तों, लाइट तो आ नहीं रही है, तो हम जो है चला रहे हैं पानी। और उसके बाद यहाँ पे थोड़े से बर्तन पड़े हैं धोने के लिए, तो सबसे पहले बर्तन को धो के रख देंगे। और उसके बाद आज थोड़ा सा कुछ चटपटा सा नाश्ता बनाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से मन कर रहा है बनाने का, पर बना नहीं पाई, इतना काम ही हो जाता है। तो आज जो है बनाने जा रही हूँ। और यहाँ पर हमने ले लिए है आलू, और इनको धो के रख देंगे उबालने के लिए। और जब तक हमारे आलू जो हैं वो उबलेंगे, तब तक हम तैयार कर लेंगे इधर अपना डो। तो यहाँ हमने सबसे पहले लिया है आटा, और इसे छान लेंगे अच्छे से। और उसके बाद इसमें मिलाएंगे जीरा, हींग, अजवाइन, और अगर कस्तूरी मेथी है तो आप वो भी मिला सकते हैं। हमारे पास है नहीं, इसलिए हम नहीं मिला रहे हैं। और स्वादानुसार नमक भी डाल लिया है हमने। उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर रिफाइन। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, घी या ऑयल कुछ भी ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे रिफाइंड लिया है। तो इसे यहाँ पे अच्छे से मिला लेंगे, ताकि जो हमने चीज़ें डाली है उसका पूरा फ्लेवर जो है वो आटे में आ जाए। और अब इसे धीरे धीरे पानी की मदद से अच्छे से लगा लेंगे। और डो को थोड़ा सा चिकना बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वही रिफाइंड। अपने हाथों में थोड़ा सा लगा के उसे डो को अपने चिकना कर लेंगे, फिर इसे ढक के साइड में रख देंगे। और अब हमारे आलू जो हैं वो उबल चुके हैं, तो उसे भी हम छील लेंगे जल्दी से। और अब दोस्तों, इस चम्मच की हेल्प से अपने आलूओं को हम स्प्रेड कर लेंगे, या फिर आप कद्दूकस की हेल्प से इसे क्रश भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि धनिया हो गया, और थोड़ा सा मिर्ची हो गई, और थोड़ी सी हल्दी डालनी है, और स्वादानुसार नमक डाल लेंगे। उसके बाद थोड़ी सी हींग और जीरा डाल लेंगे, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद दोस्तों, हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पे आटे से लोई। तो यहाँ पे देखिए, दो लोई हमने बना ली है। और इसके बाद इसे अच्छे से बेल लेंगे, और काफ़ी बड़ा बेलना है इसे। और इसकी थिकनेस की बात करें दोस्तों, तो ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। मान लीजिए कि जैसे रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसे तैयार करना है। तो देखिए, हमारी एक जो है चपाती जैसी बन के तैयार हो गई है, और दूसरी भी ऐसे ही तैयार कर ली है। तो अब इसे इस पे जो है भरते को लगा लेंगे चम्मच की मदद से। और यहाँ पे चम्मच की मदद से मुझसे तो नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हमने अपना हाथ का यूज़ कर लिया है। हाथ से काफ़ी अच्छे से लग गया है। तो देखिए, दूसरी वाली चपाती को लेके इसके ऊपर ऐसे रख देना है, और इसका किनारा बहुत अच्छे से दबा देना है, ताकि जो हमारा ये आलू का भरता जैसा है ये बाहर ना निकले। और इसे हल्का सा बेल भी दिया है, ताकि एक दूसरे पे अच्छे से चिपक जाए। और उसके बाद इसे चाकू से देखिए हम कैसे काट रहे हैं, बिल्कुल चौकोर पीस जैसे काट लेने हैं। और इसके बाद देखिए दोस्तों, इस स्क्वायर को हम एक फ्लावर टाइप का शेप दे देंगे। तो इसके कोने जो हैं उठा के हमने प्रेस कर दिए, और साइड से दूसरे कोने वो भी उठा के ऐसे प्रेस कर देने। एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए कितनी आसानी से हमारे बन रहे हैं ना, एकदम फ्लावर जैसे, और दिखने में भी काफ़ी यूनिक लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और इधर हमारी चाय भी बन गई है, और इधर हमने समोसे भी तैयार कर लिए हैं बना के। अब हमें तलने हैं सिर्फ, तो हम चाय जो है अपनी साइड में कर देंगे। और यहाँ पे चढ़ा दी है कढ़ाई, और इसमें डाल देंगे घी। और घी जो है वो गर्म हो चुका है, तो हम डाल देंगे ये समोसे फ्लावर वाले, और इसे अच्छे से तल लेंगे कुरकुरे एकदम क्रिस्पी। और ये देखिए दोस्तों, हल्के से ब्राउन होने लग गए हैं, और हमारे जो ये समोसे हैं काफ़ी अच्छे से पक भी चुके हैं। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं दिखने में, और बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं, बहुत एकदम करारे बने हुए, क्रंची। तो देखिए, हमने इधर चाय भी छान ली है, और हमारे समोसे भी तैयार हो गए। तो अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए, फिर बताती हूँ आप लोगों को कि कैसे बने हुए हैं। तो दोस्तों, दिखने में तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं,
और अब मैं खाने जा रही हूँ। तो दोस्तों मुझे तो खाने में बहुत ही अच्छे लगे हैं, और आप सभी लोग भी अपने अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इसका टेस्ट कैसा लगा है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।